बच्चे का नाम अपूर्वा है, पर सभी इस बच्चे को प्यार से अप्पू बुलाते हैं। और इस बच्चे को हाथियों से बहुत प्यार है। हमेशा बिजी रहने वाले इस बच्चे के माँ बाप इस बच्चे को कभी असली हाथी नहीं दिखा पाए। तो क्या अप्पू का ये सपना पूरा होगा? आइए खुद देखते हैं। हाथी सच में नहीं आया, ये सारा सपना था। हेलो, मम्मी डैडी घर पर नहीं है, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। अरे अरे अप्पू, अरे बेटा मैं हूँ तुम्हारा मामा, मैं सिंगापुर से फोन कर रहा हूँ। हाय मामा जी। मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाओ। अरे बेटा मुझसे नाराज क्यों हो? आखिर मैंने क्या किया? बता दूँ क्या? जाने से पहले क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा बेटा। हाथी चाहिए ले आओगे बोला था ना? ओ सॉरी अप्पू, इस बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए हाथी जरूर लेके आऊंगा। ओके बेटा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके मामा जी, थैंक्स। अच्छा मैं आ रहा हूँ, ये मम्मी को बता देना, मैं तुमसे बाद में आराम से बात करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। मामा जी आएंगे, हाथी ले आएंगे। मामा जी आएंगे, हाथी ले आएंगे। मामा जी आएंगे। क्या बात है अप्पू, सुबह सुबह हाथी का नाम इतने जोरों से क्यों ले रहे हो? मामा जी हाथी लाने वाले हैं, फोन पे कहा। तुम्हारे मामा तो पागल हैं। तुम जाकर ड्रेस चेंज करके दूध पीकर आ जाओ। ओके मम्मी। किरण, रात की पार्टी बहुत शानदार थी ना? हाँ जी, मुझे भी पार्टी बहुत अच्छी लगी। मम्मी मुझे नहला दो ना। तुम्हें अभी नहाना है? मुझे अर्जेंट काम है, ऑफिस के सेमिनार के लिए प्रिपेयर होना है, अपने डैडी से पूछो। डैडी मुझे नहला दो ना। रुको बेटा, शेयर मार्केट के डिटेल्स देख रहा हूँ। आप दोनों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। काकी। हाँ कहिए मैम साहब। काकी आ रही है मैम साहब। इसे अंदर ले जाकर नहला दो जरा। ठीक है मैम साहब, चलो बाबा। वो तुम्हारे हाथों से नहाना चाहता था, तुमने उसका दिल ही तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, मौका दूंगी तो सर पे ही चढ़ जाएगा। मुझे बहुत सारा काम है। वैसे बताना भूल गई, आज वेन्यू इंडिया आने वाला है, एयरपोर्ट जाकर उसे रिसीव कर लीजिएगा। नो नो नो, मैं नहीं जा सकता, आज मेरी टेंडर मीटिंग है, तुम ही चली जाओ ना। मैं क्या बेकार में बैठी हूँ? इवन आई एम आल्सो बिजी। वैसे भी तुम्हारा भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएगा, एयरपोर्ट से सीधे घर आ सकता है वो, डोंट वरी। रूठ गई। किरण तुम जल्दी से रेडी हो जाओगी तो तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप करके मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा पपी कितना प्यारा है जानते हो? नहीं जानती सिद्धू। तूने कभी देखा नहीं ना? परसों तुम तुम्हारी मम्मी के साथ हमारे घर आई थी, तब शायद तुम देखना भूल गई। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम तुम आओगी तो मैं तुम्हें हमारा पपी दिखाऊंगा। अगली बार आऊंगी तो उसकी दुम पकड़ कर खींचूंगी। दुम से याद आया, पिछले साल के डॉग शो में उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। तुम सच कह रहे हो? मेरे पपी के स्टेज पे आते ही बाकी सारे डॉग्स ने अपना दुम दबा लिया था। हाँ क्या? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? ये सच बोल रहा है। हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? दुम टेढ़े होते हैं, लेकिन उन डॉग्स के दुम ज्यादा ही टेढ़े थे। सिद्धू तू बहुत झूठ बोलता है यार। हाँ हाँ, ये तो हमेशा झूठी कहानियाँ सुनाता है। इससे क्यों बात कर रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो निकलो। बाय, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बाबा तुम स्कूल जा रहे हो? रास्ते में संभल कर जाना, बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्तों का टेंशन कौन लेता है आंटी? जब मेरा हाथी आएगा ना तो सारे कुत्ते दुम दबाकर भाग जाएंगे। ओके बाय। मुझसे कह रहा है कि हाथी लाएगा, पागल लड़का। हाथी इतना बड़ा होता है कि उसे ढकना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। कहता है कि मैं हाथी जैसी हूँ, कितना पागल लड़का है ये। मेरा हाथी बहुत बड़ा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ज्यादा हीरो मत बनो अप्पू, पहले यहाँ हाथी ला कर तो दिखाओ, बाद में ये सारी बातें करना तुम। अप्पू तू हाथी नहीं लाया ना इसलिए बहुत उड़ रहा है, तू हाथी लाकर इसके सामने खड़ा कर दे। ले आऊंगा यार, एक दिन वेट करो, कल सुबह हमारे स्कूल के सामने हाथी को खड़ा कर दूंगा। उसे तुमने गली का स्ट्रे डॉग समझा है क्या? जो वो दुम हिलाते हुए आएगा वो हाथी है,
देख रहे हो ना इसे, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, हाथी के पीछे डॉग्स भौंकते हैं। अरे मुझे डॉग कहा तुमने? रुको मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे जा रहे, तेरे चप्पल से मार खा ले। ओ सॉरी, तेरे जूते से मार खा ले। तुम जूते खाओगे या मैं जूता खाऊंगा क्लास में पता चलेगा। चलो यार क्लास चलते हैं, इससे कौन बात करेगा। जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे अप्पू और उसके फ्रेंड्स को दुबे सर के हाथों मार खिलाना होगा यार। वैसे ही दुबे सर का बीपी हाई रहता है, गुस्सा आने पर क्लास खत्म होने तक नील डाउन करवाते हैं। आखिर तुम करने क्या वाले हो? मैं अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो करना था मैंने कर दिया। तूने ऐसा क्या कर दिया, मुझे भी बता। वेट एंड सी। ओ हमारे दुबे सर आ गए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू प्लीज बी सीटेड। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाले प्रदेशों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ऑल ऑफ यू लुक एट दिस मैप। सर ने तो मैप खोला है, तेरे दिमाग में कौन सा मैप चल रहा है पता नहीं। लुक हियर, इस चेरापूंजी के प्रदेश में ही ज्यादातर बारिश हमेशा होती ही रहती है। इस प्रांत के लोगों का जनजीवन वो यहाँ के मौसम के अनुसार ही बिताते हैं। सर क्या सिद्धू, एनी डाउट? कल आपने वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके ले आने को कहा था ना सर, आप नहीं देखेंगे? ओह देखता हूँ सिद्धू, तुम बैठ जाओ। ओह अच्छा, तो तेरा आइडिया ये है क्या? हाँ तो सभी उस मैप को दिखाइए। हाँ वेरी गुड, चलो सिद्धू अपना मैप दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ सर। अरे मैप तो दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ, होमवर्क नहीं किया? किया था सर, लेकिन मैप मिल नहीं रहा। होमवर्क नहीं किया और झूठ भी बोल रहा है? होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट जानते हो ना, गो एंड नील डाउन। ए साइलेंस, अगेन लुक एट दिस मैप। पप्पू को मार खिलाने के चक्कर में तूने क्यों मार खाई यार? मैंने उनके बैग से सारे मैप्स निकाल दिए थे यार, लेकिन आ कैसे गए? मेरी वजह से आ गए। अरे सिद्धू का मैप कैसे निकाला यार? उनका प्लान मैंने सुन लिया था यार। मैंने जब वो लोग पानी पीने गए थे तब सिद्धू को मैप बैग से निकालते हुए देख लिया था। के बाद मैंने उसके बैग से सारे मैप निकाल कर अपने बैग में रख लिए थे। अरे उसको मस्त मजा चखाया। हमसे पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा ना। छी तंगी क्यों कर रही हो, तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। अरे बाबा ऐसा काम बिल्कुल मत करना, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम्हें करने की जरूरत नहीं, कल से मेरे सारे काम मेरा फ्रेंड करेगा। हाँ? फ्रेंड कौन है बाबा, जिसे मैं नहीं जानती हूँ? मेरा प्यारा हाथी थोड़ी देर में आ जाएगा ना। हाथी? वो हाथी यहाँ आएगा? अगर वो आएगा तो पूरा घर बेहाल हो जाएगा। क्यों होगा? कमाल करते हो बाबा, हाथी इतना बड़ा होता है, मोटा होता है, उसके वजन से घर जमीन में घुस जाएगा ना। आप हंस क्यों रहे हैं बाबा? तुम्हारे चलने से घर जमीन में नहीं घुसा ना। आप ऐसे हंसेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है कंगी करो, वो देखो बातों बातों में मेरा हाथी भी आ गया। हाय मामा जी। हाय अप्पू, हाउ आर यू? फाइन। अरे अरे ऐसे क्या ढूंढ रहे हो? मेरा हाथी कहाँ है? अरे तुमसे प्रॉमिस किया था तो हाथी क्यों नहीं लाऊंगा। पर कहाँ है? ट्रक में आ रहा है क्या मेरा हाथी? प्लीज बताओ ना मामा। अरे जी जो तुमने मंगाया था उसके लिए ट्रक की जरूरत है क्या? हाँ लेके आया हूँ, साथ ही लेके आया हूँ। यू आर टेलिंग लाइज मामा जी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, जाओ। अरे बाबा सर में दर्द कर दिया, बेटा अभी अभी तो आया हूँ इतनी दूर से। तुम्हारे मम्मी डैडी भी घर पे नहीं हो, तुम परेशान कर रहे हो। काकी जरा एक ग्लास पानी ले आओ। ठीक है साहब। ये ले अप्पू तेरा हाथी। आप ये स्टैचू एलिफेंट लाए हो, जाओ। अरे अरे अप्पू अप्पू। अप्पू अप्पू दरवाजा खोलो ना। अरे अप्पू मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जाओ मामा जी। ये तो मुझसे नाराज हो गया।
अब पता नहीं कैसे मनाऊंगा इसे। साहब जी लीजिए पानी पीजिए। अरे बाप रे, लगता है बाबा को बहुत गुस्सा आ गया है। अप्पू बाबा को हाथी से बहुत प्यार है, हमेशा उसी के बारे में बातें करते हैं। हाय वेनू। हाय। अब भैया तुम कब आए? बस अभी अभी आया। सॉरी भैया मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकी, मेरा सेमिनार चल रहा था, जाना जरूरी था। काम होते ही इंक्वायरी की मैंने, कह रहे थे कि फ्लाइट आ चुकी है, इसलिए तुमसे मिलने जल्दी से घर आ गई। कहाँ है? उस कमरे में बैठा हुआ है साहब। कमरे में क्यों गया? इस समय तो वो सोता नहीं है, क्यों तबीयत ठीक है ना उसकी? वो एक्चुअली बात क्या है, उसने मुझसे हाथी लाने को कहा था। तुम भूल गए इसलिए वो नाराज हो गया? मैं भूला नहीं, बाबा ने नकली हाथी को देख कर गुस्सा होकर फेंक दिया साहब। पसंद नहीं आया क्या? बात पसंद की है ही नहीं, उसे स्टैचू वाला नहीं असली हाथी चाहिए। वो पागल है। अच्छा हुआ जो उसने शेर नहीं मांगा, मैं उसे समझा दूंगी। अब भैया को ऊपर ले जाइए। आओ विनु, तुम लगेज लेके आओ। अप्पू, अप्पू डोर खोलो, प्लीज ओपन द डोर। बेटा मम्मी कुछ कह रही है, खाना खाने आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। मुझे पसंद नहीं है। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? तुम नहीं दोगी? नहीं बेटा, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं मिनटों में लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ तो मुझे हाथी चाहिए। अप्पू क्या है ये सब मैडनेस, बाहर आओ। मुझे हाथी दोगी तभी आऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम बाहर आओ। सचमुच दोगी ना? हाँ मैं सच कह रही हूँ। क्या है अप्पू ये सब, मुझे फिर से मीटिंग में जाना है, इतना टेंशन क्यों दे रहे हो मुझे? नहीं तो आप हाथी नहीं दिलाओगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम बाहर आओ। ठीक है आ रहा हूँ। चलो खाना खाते हैं। सिर्फ हाथी है ना, मैं दिला दूंगी। मामा जी वाला हाथी नहीं चाहिए। ठीक है असली वाला दिला दूंगी। वो देखो अप्पू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज बी सीटेड। सबने होमवर्क किया है ना? अप्पू तुम ऐसे क्यों बैठे हो, होमवर्क नहीं किया? वो तो हाथी के लिए परेशान है मिस, उसे हाथी चाहिए। सिद्धू सच कह रहा है क्या? हाँ मिस, इसके मामा हाथी लाने का वादा करके नहीं लाए, इसीलिए परेशान है। यू सिली बॉय, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान होते हैं क्या? हाथी को देखना इतना भी मुश्किल नहीं है, हाथी तुम्हें इतने पसंद है। दुनिया में बहुत सारे जानवर है पर खास करके तुम्हें हाथी ही क्यों पसंद है? मेरे बचपन में। हाँ क्या हुआ था बचपन में? ऐसा हुआ कि मेरे बचपन में। क्या है अप्पू, बचपन में कहकर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम डेली सीरियल्स देखते हो क्या? जी नहीं मिस, मेरे बचपन से ही हाथी ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा है अच्छा है, बोलो बोलो, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जी हाँ मिस, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। हाथी के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स भी सुनेंगे। इतना मोटा शरीर वाला हाथी वेजिटेरियन होता है, नॉन वेज नहीं खाता। झुंड के एक हाथी को बंदी बनाया तो उसके आजाद होने तक दूसरे हाथी नहीं सोते, बस रोते रहते हैं। वेरी गुड अप्पू, तुम्हारे पास हाथी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह पढ़ाई में भी आगे होना। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अप्पू की तरह तुम में से कुछ लोगों को बंदरों को देखने की, शेरों को देखने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होगी, इसीलिए आप सबको नेक्स्ट संडे जू पार्क ले जाने वाली हूँ मैं, ठीक है ना? अप्पू के हाथी का नाम क्या है पता है? अप्पू तुमने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू मिस। मिस तो तेरे हाथी के चक्कर में होमवर्क देखना भूल ही गई, मुझे बचा लिया यार। अरे अप्पू तुझे तो कॉस्टली पेन गिफ्ट में मिल गया। इस पेन को मेरे मम्मी डैडी को दिखाऊंगा। देख यार सुरेश, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि इसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे
मिस ने मुझे गिफ्ट दिया इसलिए ये जल रहा है। जलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे पेन तो मैं कितने सारे खरीद सकता हूँ। खरीद सकते हो लेकिन गिफ्ट जीत नहीं सकते ना। अगली बार क्लास में मेरे डॉग के बारे में बता के मैं भी गिफ्ट जीत लूंगा। क्या बोलेगा तू? डॉग भाव भाव करता ऐसा बोलेगा क्या? या फिर बोलेगा टांगोटा के सिर में मजाक उड़ाता है? मैं डॉग से तुझे कटवाऊंगा। तुम अपने डॉगी को लाओगे तो हम अप्पू के हाथी को लाएंगे। क्या लेकर आओगे? नकली हाथी को? टाइम बहुत हो चुका है। मम्मी डैडी अब तक आए क्यों नहीं? अप्पू बाबा अब खाना खा लो बाबा। मम्मी डैडी आने के बाद ये गिफ्ट दिखा कर उसके बाद मैं खाऊंगा। तुम जाओ। वो अभी नहीं आएंगे बाबा। वो कोई नई फैक्ट्री बनाने के लिए नई जमीन देखने गए हैं बाबा। पता नहीं कब तक आएंगे। बहुत रात हो चुकी है। अब खाना खा के सो जाओ बाबा। अरे मेरे ब्रेन में स्पून डालकर मत खाओ। हा? वो क्या है बाबा? कोई नए फ्लेवर की आइसक्रीम है क्या? ठीक है मैं जाकर आपके लिए दूध लाती हूँ। अरे मैडम को पता चलेगा अब्बू बाबा नीचे सोए हैं तो मुझे तो जान से मार देंगे। बाबा बाबा नीचे क्यों सो गए बाबा? अरे रे 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 ओ अरे काकी अप्पू सो गया क्या? मैं उसके लिए आइसक्रीम लाई हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, आपका इंतजार करते करते सो गए। खाना खा लिया इसने? आपके आने तक कुछ नहीं खाऊंगा ऐसा कह रहे थे मैम साहब। बहुत कोशिश किया पर खाना नहीं खाया। अरे शिट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी कार सर्विस में दी होती तो ऐसे नौबत नहीं आती। ए, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने जानबूझ के किया है क्या? मैं और वेनू तो जा ही रहे थे, फिर तुम क्यों पीछे पीछे चली आई? हाँ बहुत चलाक है आप। तुम चलाक नहीं हो क्या? असल में आप पे भरोसा कौन करे? तुम कौन सी भरोसे के लायक हो बताओ, इसमें मेरी गलती क्या है? अरे बस भी करो, आप लोग झगड़ा बाद में कर लेना, पहले उसे उठा के उसे खाना खिलाओ। क्या हम झगड़ा कर रहे हैं? नहीं मजाक कर रहे हो, सबके सामने तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, कितने शर्म की बात है। सब मुझे ही बोलते हैं। काकी मेरे साथ आइए। जीजा जी शांति से जीने नहीं देती है। उठ जा मेरे शेर। अप्पू पेन किसकी है? ये मुझे स्कूल में। स्कूल से चोरी किया क्या? जी हाँ। एक तो चोरी की, ऊपर से सीना चोरी करा तेरी। मम्मी, तो किशोर क्या हुआ? और क्या होना था, अप्पू क्लास में किसी का पेन चोरी करके घर ले आया है, कल हम दोनों को स्कूल जाना होगा। चोरी करना भी सीख लिया इसने। अप्पू ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें चाहिए थी तो डैडी से कह के देखते। क्या हुआ किरण, क्या बात है? क्या बताऊँ मैं, आजकल ये बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अप्पू ऐसा लड़का नहीं है, ही इज अ गुड बॉय। क्या हुआ अप्पू बेटा, क्यों मम्मी डैडी पर तुम गुस्सा हो रहे हो? ऐसा नहीं है मामा जी, स्कूल में तो। ये स्कूल से किसी का पेन चोरी करके लाया है, टीचर को पता चलेगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम चुप रहो किशोर, बच्चे ने अनजाने में कर दिया होगा। मैं स्कूल जाता हूँ, इसके टीचर से बात करके जिसका पेन उसे लौटा देता हूँ, इतनी छोटी सी तो बात है। ठीक है वो काम तुम कर देना, चलो किरण टाइम हो गया है। या टेंशन मत लेना अप्पू। मामा जी स्कूल में मुझे ना। देखो मैं सब समझता हूँ लेकिन अभी मम्मी डैडी तुमसे गुस्सा है, मैं टीचर से बात करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अप्पू आओ चलो। किरण प्रेजेंट मिस। सिद्धू प्रेजेंट मिस। लता प्रेजेंट मिस। संध्या प्रेजेंट मिस। अप्पू प्रेजेंट मिस।
इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? May I come in, ma'am? Yes, please. Who are you? मैं अप्पू का मामा हूँ. ये पेन अप्पू के बैग में गलती से आ गया था. इसके सारे फ्रेंड्स इसे चोर चोर कह के बुलाएंगे, इसीलिए ये डर रहा था. आप प्लीज ये पेन उसे लौटा दीजिए जिसका है. What? ये पेन गलती से आ गई है? क्या है ये सब अप्पू? I'm quite unable to understand. Sorry, ma'am. बचपने में बच्चों से कई बार गलती हो जाती है. अगर इस बात के लिए आप इसे डांटेंगी तो स्कूल आने से मना कर देगा. Stop this nonsense. कल अप्पू ने क्लास में हाथी के बारे में बहुत अच्छी स्पीच दी थी. मैंने इम्प्रेस होकर ये पेन अप्पू को गिफ्ट दी थी. अप्पू ने चोरी नहीं की है. अप्पू ऐसा लड़का नहीं है. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अप्पू, बेटा, बेटा, प्लीज, चुप हो जाओ। अप्पू मुझे थोड़ा सा अपसेट लग रहा है. Something is missing. आज इसे आप घर ले जाइए, पर कल स्कूल भेज दीजिएगा. थैंक यू मैम. ऐसा लग रहा है आपको काफी अपसेट है. इसे कैसे मनाऊं, कैसे खुश करूं? आइसक्रीम खिला दूं क्या? आप क्रेजी बॉय. आ जाओ, चलो. कौन सी आइसक्रीम खाओगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए. प्लीज, अगर तुम्हें नहीं भी खानी है तो मुझे खानी है. मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है. मुझे नहीं चाहिए मामा जी, मेरा मूड ठीक नहीं है. अप्पू, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुमने पेन चोरी किया है? ओह, ये पुरानी फिल्मों के विलन की तरह लुक क्यों दे रहे हो? बताना अप्पू, जब टीचर ने तुम्हें गिफ्ट दिया था तो घर पे झूठ बोल के डांट क्यों खाई? प्लीज कुछ तो बोलो ना अप्पू. कम से कम मेरे मम्मी डैडी को मुझ पर इंटरेस्ट आएगा सोचकर. क्या मतलब, उन दोनों को तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्या हुआ बताओ ना, असली प्रॉब्लम क्या है? रोने से क्या होगा? प्लीज कूल डाउन अप्पू, कंट्रोल योरसेल्फ. अरे बहादुर बच्चे रोते थोड़ी हैं. बी ब्रेव. अब बताओ मुझे, आखिर प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई पसंद नहीं करता. कम से कम मैं बिगड़ गया हूँ, पता चलेगा तो मम्मी डैडी इंटरेस्ट दिखाएंगे सोच के. इसलिए तुमने झूठ बोला है ना अप्पू? यू सिली बॉय, किसने तुमसे कहा कि मम्मी डैडी तुमसे प्यार नहीं करते? वो दोनों तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैं उनसे बात करूंगा. अभी चलो आइसक्रीम खाते हैं. क्या हुआ बाबा, किसने फोन किया था? मेरे फ्रेंड ने. क्या कह रहे थे? मुझे बता रहे थे कि हाँ, घर में हाथी रहते हुए भी सारा गांव क्यों ढूंढ रहे हो? मैड बॉय कह रहे थे मुझे. और रे 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 रे, हमारे घर में हाथी कहाँ है? ये चमत्कार कैसे हो गया बाबा? कहाँ है बताओ, मैं दिखाता हूँ. हाँ। अब ध्यान से देखो. कहाँ है बाबा, हम दोनों ही तो दिख रहे हैं. नहीं, मैं और हाथी दिख रहे हैं. हाँ? क्या बाबा, मैं हाथी जैसी दिखती हूँ क्या? ऐसा करोगे तो मैं काम छोड़ दूँ. ऐसे ही मजाक किया आंटी. दिल पे मत लेना प्लीज. मेरे अप्पू बाबा जैसे कहेंगे मुझे वो पसंद है बाबा. ठीक है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो. ठीक है, एक मिनट में लाती हूँ. आती हूँ बाबा, आती हूँ. दीदी. क्या है दीपा? तुम्हें अप्पू अच्छा लगता है या सिद्धू अच्छा लगता है? मुझे अप्पू भैया ही अच्छे लगते हैं. ऐसा क्यों? मुझे चॉकलेट देते हैं, खेल में शामिल करते हैं. सच में? हाँ, तो तुम्हें कौन पसंद है? मुझे भी अप्पू ही पसंद है. तुम तो सिद्धू के साथ घूमते हो ना? उसके साथ नहीं गई तो वो मुझे मारता है. अच्छा, ऐसा है क्या? अप्पू गुड बॉय. हाँ तो सिद्धू बैड बॉय. इस बार सिद्धू तुम्हें मारेगा तो अप्पू को बता देना. हाय मुन्नी. हाय अप्पू. हाय दीपा. हाय अप्पू. आज तुम लोग क्लास में नहीं गए? ठीक है,
तुम सब ये चॉकलेट खाकर क्लासरूम में चले जाना। बाय बाय। अप्पू बाबा। क्या है आंटी? मिल्क मिल्क। थैंक्स। मेरा अप्पू बाबा। थैंक यू थैंक यू। आपने ये क्यों आ गया? सिद्धू यहाँ कैसे आ गया? उस पतंग को कट कर। भैया संभाल कर। अब क्या करूँ, वो मेरा पतंग काट देगा। अरे हमारे अप्पू का पतंग भी आ गया। अरे वाह अप्पू आ गया। आजा अप्पू आके कट कर दे। भैया कट कर दो। अरे कट कर यार। अप्पू आज संडे है ना, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है? आज मुझे और मेरे फ्रेंड्स को मैम जू पार्क दिखाने ले जाने वाली है। अरे ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुमसे मिलने के लिए प्रिया आंटी बहुत दूर से आ रही हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम आज घर पे ही रहोगे। नहीं मम्मी आज मैं जू पार्क जाकर रहूंगा। अप्पू बहुत दिनों से प्रिया आंटी तुम्हें देखना चाहती हैं। उनके आने के बाद तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहो। आज मैं हाथी देखने का चांस मिस नहीं करूंगा। अप्पू मेरी बात सुनो बेटा, फ्री होने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी ना। आप कब फ्री रहोगी बताओ? मुझे तो टीचर के साथ हाथी को देखने दो। अब फिर कभी ले जाऊंगी ना, आज के दिन घर पे रहो ना। ऐसा बहुत बार बोला है लेकिन एक बार भी मुझे लेकर नहीं गए। वो देखो बस आ गई। बाय मम्मी। Come on, children. हम जो जो भी जानवर देखना चाहते थे हम देख चुके हैं ना? जी हाँ हमने सब तो देख लिया लेकिन हमारे अप्पू को हाथी पसंद है, उसने नहीं देखा। लगता है यहाँ एलिफेंट हो सकते हैं। टीचर मुझे हाथी दिखाइए ना। क्यों नहीं दिखाऊंगी अप्पू, हमने ये प्रोग्राम इसीलिए तो बनाया है ना। चलो कम ऑन हाथी वहाँ पर है, चलो जल्दी से आओ। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं मैडम? बच्चों को हाथी दिखाने के लिए। वो नहीं है मैडम, उसे डम करके बैंगलोर ले गए हैं। सॉरी अप्पू मैं तुम्हें यहाँ हाथी नहीं दिखा पाई। अप्पू तुम आ गए? आंटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अभी वो चली गई। क्या बात है अप्पू, हाथी नहीं देखा तुमने? जू में हाथी नहीं है। क्यों नहीं है? उन सबको बैंगलोर भेजा है। अच्छा हुआ, पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। तुमने मम्मा की बात नहीं मानी ना, इसलिए वहाँ ऐसा हुआ। मम्मी मुझे हाथी चाहिए, मम्मी मुझे हाथी चाहिए। किरण क्या हुआ? किरण अप्पू रो क्यों रहा है? क्या बात है बेटा? अप्पू को हाथी पसंद है ना किशोर, जू में भी हाथी नहीं देख पाया। नेक्स्ट वीक हम अपना सारा काम छोड़ के इसे केरला लेके जाएंगे। केरला क्यों मम्मी, वहाँ हाथी होगा क्या? सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे हाथी होते हैं। हाँ तो फिर जल्दी चलो ना डैडी। ओके
तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू केरला। अप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता। हाय फ्रेंड्स, ऐसे सभी मुरझाए से क्यों हो? कल तुम्हें देख के लगा आज नहीं आओगे, क्या रो रहे थे तुम? कल मेरा मूड देखकर मेरे मम्मी डैडी अपसेट हो गए। हॉलीडे में मुझे केरला लेकर जाएंगे, वहाँ हाथियों को दिखाने का वादा किया है। सच में? प्रॉमिस। तुम्हें तो मस्त चांस मिल गया अप्पू। कांग्रेस यार अप्पू, केरला में फॉरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ बोट हाउस जर्नी ना बहुत फीलिंग होती है। बहुत फेंकता है, कल किसने देखा है? ये जब जाएगा तब पता चली जाएगा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ी देर रुक नहीं सकता है क्या? बकरी की तरह चिल्लाता रहता है बस। हेलो, कौन है? अरे काकी, मैं वेणु बात कर रहा हूँ। क्या वेणुगोपाल स्वामी? अरे काकी, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ, मैं सिंगापुर से किरण मेम साहब का भाई वेणु बात कर रहा हूँ। अरे रे 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 रे, माफ करना साहब, मैं कुछ और ही समझ रही थी। माफ कर दो साहब। कोई बात नहीं, वैसे अप्पू कहाँ है? मैं जल्दी में आया इसलिए उससे मिल भी नहीं पाया। बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, बाबा बस आ ही गए। अप्पू बाबा, मामा जी का फोन है, सिंगापुर से बात कर रहे हैं। बात की। हेलो मामा जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन बेटा, हाउ आर यू? मुझे बिना बताए क्यों चले गए? थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था इसीलिए आना पड़ा। अब मुझे ढेर सारे पैसे कमाकर अपने भांजे को असली हाथी भी तो दिलाना है। सच कह रहे हो मामा जी? हाँ बेटा। प्रॉमिस प्रॉमिस। अच्छा सुनो, हाथी के चक्कर में आके पढ़ाई मत छोड़ देना। एक बार पढ़ाई करके बड़े आदमी बन जाओगे ना तो एक क्या ढेर सारे हाथी खरीद सकते हो। मामा जी, आपको एक बात पता है क्या? कौन सी बात? मुझे मम्मी डैडी केरला फॉरेस्ट लेकर जाने वाले हैं। अरे वाह, जहाँ मैं बहुत सारे हाथी देखूंगा। वेरी गुड, वहाँ जाके अच्छे से एंजॉय करना। बाय मामा जी। ओके बेटा बाय। एनिमल्स इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। डियर चिल्ड्रन, अब इंसान की जिंदगी में हमारे लिए एनिमल्स कितने जरूरी हैं, इसके बारे में हमें एक लेख लिखना है। वंस अपॉन अ टाइम इन एनी कंट्री, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पर इंसानों को ट्रैवल करना हो या फूड आइटम्स को ट्रांसफर करना हो, तो आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। उस समय मोस्ट प्रोबेबली इंसान एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। चाहते चाहते इंसान में टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से मोटर व्हीकल्स इस्तेमाल में आ गए। फॉर एग्जाम्पल, लॉरीज, ट्रेन्स, ट्रक्स, बसेस और बहुत से व्हीकल्स हैं अब इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बट इतना होने पर भी आज भी इंसान जानवरों की मदद लेते आ रहे हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट आज भी हमारे काम आ रहे हैं। आज भी जंगलों में कटे हुए बड़े बड़े पेड़ों को लॉरी में चढ़ाने के लिए हाथी होते हैं। 10 लोगों से जो काम नहीं होता है, एक हाथी वो काम आसानी से कर लेता है। क्यों अप्पू, सही कह रही हूँ ना? यस मिस। ऐसे बहुत से कामों में यूज आने वाले जानवरों को वही इंसान बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी चीजों का बिजनेस कर रहा है। अब कोई भी चैनल देख लो, कोई भी पेपर देख लो, आजकल जानवरों की हत्या की खबरें बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलती है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो जंगली जानवर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने वालों को सबक सिखाने के लिए गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन लेना होगा। एट द सेम टाइम हम सभी को भी उनकी रक्षा करने के लिए रेडी होना होगा। पेड़ काटना बंद करना होगा। एनवायरनमेंट को कैसे बचाते हैं, उसी तरह वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए भी हमें लड़ना होगा। टुडेज टॉपिक ऑन सेव वाइल्ड एनिमल्स इज ओवर। हेलो। हेलो, कौन? मैं हूँ आंटी किरण, हैदराबाद से। बेटी तुम हो क्या? कितने दिन के बाद फोन किया तुमने। कैसी है आंटी? हाँ मैं अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, क्या बात है, बहुत दिनों बाद याद किया तुमने। मैं और किशोर ऑफिस के काम से यूरोप जा रहे हैं, आप प्लीज आके अप्पू के साथ रह लीजिए। आप जल्द से जल्द गांव से हैदराबाद आ जाइए। क्यों नहीं आऊंगी, वैसे मुझे हैदराबाद देखे हुए बहुत साल बीत गए हैं। हाँ तो जल्दी से निकल के हैदराबाद आ जाइए। अच्छा ठीक है, अभी निकलती हूँ। ये क्या है मम्मी, नेक्स्ट वीक तो मुझे केरला लेकर जाने वाले थे ना? ऑफिस के काम से यूरोप जाना पड़ रहा है, डैडी को भी यूरोप में बिजनेस करना है।
इसलिए हम दोनों साथ में जा रहे हैं। हाँ तो मुझे भी लेकर चलो। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड। तो केरला कब जाएंगे? मौका मिलने पर चलते हैं। वैसे भी केरला कहाँ जाने वाला है? अप्पू, हर बात पे ऐसे रोते नहीं है, तुम्हें समझना होगा। वापस आते टाइम बहुत सारे खिलौने ले आऊंगी। हेलो किरण, फ्लाइट निकलने में 3 घंटे बाकी है, तुम अभी घर से निकली नहीं क्या? अभी निकल ही रही हूँ किशोर, डैडी एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं। तुम्हारे देखभाल के लिए कल आंटी आ रही हैं। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जाम देना, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। बाय। ऐसे बहुत से कामों में यूज होने वाले एनिमल्स को वही इंसान बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी चीजों का बिजनेस करते हैं। हाँ, मिस की बात सच है। कैसे, मैं कैसे जानवरों को बचा सकता हूँ? हम केरला कब जाएंगे? मौका मिलने पर जाएंगे। वैसे भी केरला कहाँ जा रहा है? क्या हुआ अप्पू, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार। अप्पू एग्जाम्स हो गए हैं ना, चलना खेलते हैं। मूड नहीं है दीदी। क्यों, किस लिए? मेरे मम्मी डैडी केरला ले जाने का वादा करके यूरोप चले गए हैं। मम्मी डैडी हमेशा ऐसे ही करते हैं, वादा कभी नहीं निभाते। अप्पू, सिद्धू अपने पास क्यों आ रहा है? लगता उसके फ्रेंड्स ने भगा दिया होगा। हाय अप्पू। हाय सिद्धू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू, सेम टू यू। मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करने की कोशिश किया करता था। लेकिन तुमने मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं किया। तुम भी मेरे फ्रेंड हो यार, तुमसे क्यों झगड़ा करूँगा? ए, ये हमारा फ्रेंड नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन होता तो हमसे आकर बात क्यों करता ये? मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ यार। अप्पू, इसे अपने ग्रुप में शामिल कर ले क्या? फ्रेंडशिप डे पर आकर पूछा है, आप लोगों को ओके है तो मुझे भी ओके। अप्पू ने कहा है इसलिए आज से तुम भी हमारे फ्रेंड हो। थैंक्स, सिद्धू के मिलने की खुशी में चॉकलेट खाते हैं, चलो। चलो। हाँ आओ भाई आओ। कैसा चल रहा है दुकान तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। एक जर्दा पान खिलाओ। ठीक है। अंकल चॉकलेट मिलेगी क्या? देता हूँ ना बाबा। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे यहीं पर, ये पास वाली आदिलाबाद फॉरेस्ट में। अरे अप्पू यहाँ आओ यार। अरे अप्पू मुझे एक आइडिया आया है यार। क्या है यार? तुम हमेशा से हाथी को देखना चाहते थे ना? हाँ हाँ, तो अब क्या करेंगे? इस लॉरी में बैठ के हम जंगल में जाके हाथी को देख के वापस आ जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, घर में पता चलेगा तो मार पड़ेगी। अंधेरा होने से पहले घर आ जाएंगे। जंगल में जाने से हाथी दिखेगा क्या? सिर्फ हाथी क्या, सारे जानवर दिखाई देंगे। ऐसा क्या? ठीक है भैया। क्यों हो गया क्या? रेडिएटर बहुत गर्म हो गया है भैया, पानी डालता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। मुझे भी जंगल देखना है। मैं भी आऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी। पता नहीं मुझे डर लग रहा है। हाँ तो मत आओ तुम लोग, हम लोग खुशी से हाथी को, शेरों को, हिरन को, सबको देख कर आते हैं। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है। नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ तो खामोशी से इस लॉरी में बैठकर चलते हैं, चलो। अप्पू आराम से। अच्छा अच्छा, अरे चुपचाप बैठ जाओ सब, चुपचाप चलो बैठ जाओ। यार ये सब ओके है ना? हाँ रेडी है भैया, चलिए चलते हैं। भैया कोनो गाना बजाइए ना। लगाता हूँ रे। ये! ये!
हमारी इंक्वायरी के मुताबिक आपके स्कूल के बच्चे पान की दुकान से गायब हुए हैं। वैसे अप्पू के घर से हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, वो लड़का भी इन्हीं के साथ गायब हुआ है। जी हाँ सर, पता चला है कि अप्पू भी घर नहीं पहुँचा है, उसके पेरेंट्स यूरोप गए हैं, कामवाली रोते हुए कह रही थी। ओह आई सी, इसीलिए कोई कंप्लेंट नहीं हुई। मेरे हिसाब से उस पान दुकान के पास कुछ तो हुआ होगा, इसलिए हमें अपनी छानबीन वहीं से शुरू करनी चाहिए। ए 302 सर, वो पान दुकान वाला आया है क्या? आया है सर। उसे अंदर भेजो। ओके सर। नमस्कार सर। क्यों रे, बच्चे कहाँ हैं? मैं नहीं जानता सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, वो दुकान पे पक्का आता था सर, चॉकलेट भी खरीदा सर, बाद में वो कहाँ गया मैं नहीं जानता सर। बच्चे जब चॉकलेट खरीदने आए थे उस वक्त कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पे थे क्या? अच्छे से सोच के बताओ, तुम जो भी बताओगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू होगा। याद आ गया सर, जब बच्चे चॉकलेट खरीद रहे थे तो वहाँ एक लॉरी खड़ी थी। ओके, उस लॉरी को तुमने पहले भी देखा था क्या? हाँ, वो हमेशा मेरे पास आती है सर, लॉरी ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान है, जब भी दुकान के सामने आता है मुझसे ही पान खरीदता है। वैसे वो लॉरी गई कहाँ होगी? अब तो पास वाले जंगल में ही गई है सर। लॉरी नंबर पता है क्या? इतना ध्यान नहीं दिया सर। अपने पास के लक्ष्मी टिम्बर डिपो से लोडिंग होती रहती है सर। लक्ष्मी टिम्बर डिपो। फोन उठाओ इडियट। हेलो, क्या हुआ, कितनी देर से फोन कर रहा हूँ? मैं शांति नगर से एसआई रंजीत कुमार बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, AP033249 अनलोडेड लॉरी फॉरेस्ट में आई है क्या? सर एक मिनट सर। सर आई है सर। कितनी देर हुई है? आधा घंटा पहले आई है सर। एनी प्रॉब्लम सर? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम तुरंत एक काम करो। बताइए सर। तुरंत जंगल में जाओ और वो लॉरी कहाँ पे है पता करो। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके सर। अरे जंगल में एंट्री हो चुके यार। हाँ यार। ये। 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 अंकल उतर चुके हैं। साइलेंस। सुनो, मैं मंदिर जाके नारियल चढ़ाकर आता हूँ, तुम इंजन ऑयल चेक कर लो अच्छे से। ठीक है भाई। आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई। अरे चुसु जाना है यार, तुझे सब कुछ टाइम पर ही आता है यार। सच में आ रहा है यार। जाओ करके आओ, जाओ। बाप रे, मुझे डर लगता है, तुम भी चलो। हे भगवान, क्या करें, चलो चलते हैं। हमेशा यही आता है क्या? चलो आओ मुन्नी, यहाँ पर बैठकर खेलते हैं हम। आमीना सुपर सीना। सिंग अ सॉन्ग, डिंग अ डोंग, कैरम बोर्ड, पैरम बोर्ड। अरे लॉरी जा रही है, चलो 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 चलो। अरे लॉरी तो चली गई, सब इसके वजह से हुआ। मनी आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। हाथी के स्वरूप मेरे गणेश जी।
आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। हम सबकी मदद करिए पापा। मदद करो स्वामी, मुझे हाथी दिखा देना। सब तेरी वजह से हुआ है। अप्पू को हाथी मिलने तक हमें हर बुरी चीज से बचाना। हाँ स्वामी, हमें यहीं पे सोना होगा यार। अगर यहाँ शेर आ गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करेंगे, फिर जंगल में चलेंगे। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो अरे बाबा, अब बाबा अब तक नहीं आए। अरे बाप रे, टाइम ही बहुत हो गया है। सुनिए मैम साहब, अब बाबा अब तक घर नहीं आए, अंधेरा होने वाला है। अंधेरे के पीछे उजाला होता है। हाँ टेंशन मत लो। क्या 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 उजाला? अप्पू बाबा नहीं आए हैं, मैं परेशान हो रही हूँ। वो आ जाएगा काकी, असल में टेंशन में ही टीवी सीरियल देख रही हूँ। बीच में आकर ऐड की तरह आकर डिस्टर्ब मत करो। आपसे तो मेरी मुसीबत और बढ़ गई है। वक्त पे साहब मेम साहब भी घर पर नहीं है, मैं किसे बताऊँ अब? हे भगवान, अरे अप्पू बाबा अंधेरा हो गया है, अप्पू बाबा अब तक नहीं आए, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काकी, खाना तैयार है क्या? टेबल पर रखा हुआ है, खा लीजिए। ठीक है। अरे अप्पू बाबा नहीं आए, अप्पू मैं किसे बताऊँ। मैं तुम्हें सपने में देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ, लेकिन मम्मी डैडी मुझे छोड़कर यूरोप चले गए। तुम मेरे साथ रहोगे ना? अरे अप्पू, शेर आया, वो देखो। उठो उठो, अरे शेर आया। मम्मी जल्दी उठो, शेर आया। बहुत डर लग रहा है अब्बू, क्या करे अब्बू? अब्बू कुछ तो करो अब्बू, अब्बू बहुत डर लग रहा है, कुछ करो ना अब्बू। अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो, हमारे पास आ रहे हैं अब्बू। डियर चिल्ड्रन, जब कोई खूंखार जानवर अटैक करे और तुम्हारे पास आग जैसी कोई चीज हो तो उसे अप्लाई करो, तो वो उससे डर कर वहाँ से दूर भाग जाएगा। अप्पू तेरा दिमाग तो कमाल का है। बहुत अच्छा आइडिया था अप्पू, मैं तो सोच ही नहीं पाया। बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया तुमने। मैं तो उसे देखते ही डर गई। क्या यार अप्पू, हम हाथी देखने आए तो बीच में ये शेर कहाँ से आ गया? वो रात में नहीं सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तेरे जैसे बच्चों का डिनर करने के लिए। हाँ? मार डालूंगा दोबारा फालतू सवाल किया तो। मैंने कौन सा सवाल पूछा? ये बहुत बकवास करता है, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। हाँ चले जाओ छोड़ के, मैं क्या शेर से डरता हूँ? शेर आया, शेर। शेर से डर नहीं लगता काना, हिम्मत नहीं है तुम में, ये उसकी आवाज थी। मुझे नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, यहाँ रहना सेफ नहीं है, लेकिन चलो अंदर चलते हैं। मुनि उठो। ए उठो उठो,
अरे सिद्धू उठो यार। आह मम्मी बूस्ट। बूस्ट नहीं वेस्ट फेलो। कॉम्प्लेन मिलेगा वेट करो। कहाँ है यार हम लोग? जंगल में। अब चलो। कहाँ पर? इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाथी मिलने तक हम सबको घूमना ही होगा। मुँह हाथ धो के रेडी हो जाओ। कैसे यार, टूथब्रश भी तो नहीं है। वो यहाँ नहीं मिलेगा। जाके उस नीम की डंडी से दांत घिसो। अरे कड़वा होगा। वो दांतों के लिए अच्छा है, कीटाणुओं को धो डालता है। ठीक है चलो चलते हैं। मुन्नी आओ। अप्पू इसमें उतर के नहा सकती हूँ? यहाँ नहाने की जरूरत नहीं है, मुँह हाथ धोकर निकल जाते हैं। अरे हम कहाँ नहाएंगे यार? वहाँ चलकर नहाते हैं। मुझे ना नहाने के लिए बड़ा सा वाटरफॉल चाहिए। फॉरेस्ट में वाटरफॉल्स होते हैं, ढूंढने से मिल जाएंगे। हमें वाटरफॉल नहीं ढूंढना है, हाथी को ढूंढना है। सॉरी सॉरी, हम उसी काम से तो आए थे ना। ठीक है अभी फेस वॉश करके जंगल के अंदर चलते हैं। अप्पू बाबा कल से गायब है। अप्पू बाबा कल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता, यहाँ कोई भी नहीं है बताने के लिए। लगता है अप्पू बाबा भाग गए। अगर आएंगे तो मेरी मन्नत पूरी कर दूंगी अपने बालाजी को। हाँ साहब जी आप आ गए। गजब हो गया साहब जी। क्या हुआ काकी, इतना रो क्यों रही हो? क्या बताऊं साहब, बहुत गजब हो गया साहब। अरे ठीक से बताओ ना क्या बात। अप्पू। क्या क्या अप्पू? हमारे अप्पू बाबा। अरे क्या हुआ अप्पू को? वो तो बेटा वेनू मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ तुम्हारे गांव वाली आंटी, सभी लोग मुझे महालक्ष्मी कहते हैं। अरे रहने दीजिए ना, पहले मुझे अप्पू के बारे में बताने दीजिए। कल सुबह से अप्पू बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं साहब। अप्पू दिखाई नहीं दे रहा है? और उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? कहाँ हैं साहब, चार दिन पहले ही विदेश जा चुके हैं। जाने के बाद अप्पू बाबा से फोन पर बात की थी, कल स्कूल जाने के बाद से अप्पू बाबा वापस ही नहीं लौटे। नहीं आया तो आखिर गया कहाँ होगा? अब काकी मैं जरा पुलिस स्टेशन जाके पूछताछ करके आता। बेटा आते वक्त खाने के लिए कुछ लेकर आना। घर का खाना काफी नहीं है क्या? काकी साहब अगर किरण का फोन आया तो उसे अप्पू के बारे में कुछ मत बताना, वो लोग घबरा जाएंगे, फालतू का टेंशन लेंगे। ठीक है साहब। सर चाय। अरे प्रकाश इतना लंबा तिलक क्यों लगाया है? मेरी पत्नी ने लगाया सर। तेरी पत्नी ने लगाया? जी हाँ सर। किस लिए? मैं बाहर जाकर किसी लड़की को ना पटा लूं इसलिए लगाती है सर। अच्छा काम किया उसने, जाओ। यस सर। हाय इंस्पेक्टर। हो आर यू मिस्टर वेनू? यस सर। प्लीज सिट। आप ही अप्पू के मामा हो? हाँ सर। अप्पू के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर हमारी पूछताछ हर जगह जारी है। हमारी इंक्वायरी के मुताबिक आपका लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ के पास वाले जंगल में गया होगा, ऐसा हमें शक है। एनीवे हमारे लोग पास वाले फॉरेस्ट में गए हैं। हाँ वैसे अप्पू को एलिफेंट बहुत पसंद है ना? जी हाँ। आप चिंता मत कीजिए, वो हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो कोई क्रिमिनल नहीं, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ सर, पर उसके पेरेंट्स अभी फॉरेन में हैं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर पता चला तो टेंशन में आ जाएंगे। किसी भी हाल में हमें अप्पू को उनके यहाँ आने से पहले ढूंढना होगा इंस्पेक्टर। We will try our level best. Okay sir. Thank you. अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताइएगा। जरूर करूंगा। थैंक यू सर। जल्दी जल्दी चलो यार, भूख लग रही है यार। हाँ यार अप्पू मुझे भी भूख लग रही है, नाश्ते का टाइम है ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रात को भी कुछ नहीं खाया। मैंने भी तो नहीं खाया ना, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। हाँ ब्रेकफास्ट रेडी है चलो। Thank you.
चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ पर? और कहाँ? घर पर। सबके सब पागल हो गए हैं। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। इसीलिए लड़कियों को साथ नहीं लाना चाहिए। ऐसा कहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अपना काम पूरा करके जाना है। ठीक है चलो। रुक जाओ रुक जाओ। देखो वो मोरनी कितनी सुंदर है। परसों जूम ही नहीं देखा था क्या? वो फीमेल थी। नहीं नहीं मेल था। वो मेल था, वो डांस नहीं करता। मेल मोर ही अच्छे से डांस करते हैं। हाँ क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने सोचा मोरनी सुंदर होती है इसलिए मोरनी ही मोर से अच्छा डांस करती होगी। जानवरों में मेल ही अच्छे होते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे मामा जी ने बताया। हाय सर। हाय इंस्पेक्टर, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। तो सर अप्पू के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हमारी तलाश जारी है। वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट। बच्चे कहाँ है ट्रेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हो सके तो सबको साथ ही ले आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? जरूरत नहीं है सर, सारा डिपार्टमेंट उसी काम में लगा है। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ओके सर, अब मुझे चलना होगा। थैंक यू सर। Okay. See you, sir. Okay, thank you. क्या हुआ यार? डर लग रहा है क्या? भूख लग रही है? तो क्या बात है बोलना? माँ की याद आ रही है। मुझे भी याद आ रही है। ठीक है घर चले जाएं क्या? नहीं नहीं तुम्हें हाथी देखना है ना, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ हाँ उतरो यार। अरे मुन्नी कहाँ है? वो देखो सो गई है। चलो यार चलते हैं। साहब थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। साहब नहीं काकी मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए साहब। पहले ये बताइए पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया था क्या? नहीं साहब। वैसे किरण और किशोर ने बहुत गलत काम किया है। उन्होंने क्या कर दिया साहब? अप्पू से वादा किया था कि उसे केरला लेके जाएंगे और खुद फॉरेन घूमने चले गए, इसीलिए वो नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। जी हाँ साहब। क्या हुआ सर? बच्चों के माँ बाप ज्यादा ही प्रेशर दे रहे हैं सर। हाँ जब्बर, मुझे भी सीनियर से बहुत कॉल आ रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत रिस्की है सर। रिस्क लेना होगा, असल में वो लोग इसी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, पता नहीं तुम्हें? आप तो जानते हैं ना सर, ये आदिलाबाद फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है सर। लगता है उन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा। अगर बच्चों को नहीं ढूंढ पाए तो एसपी साहब हम पे बहुत गुस्सा होंगे सर। हाँ असल में उन लोग हाई सोसाइटी के बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनका पता लगा नहीं होगा हमें। पता नहीं ये फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ चला गया। रुक जाओ। हाँ? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोग की गर्दन सर पर नहीं रहेगी। कौन है? पता नहीं। मैं कौन हूँ जानते हो ना? इस फॉरेस्ट का किंग हूँ, चोर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। आप फिरप्पन है क्या सर? एकदम उससे भी बढ़कर हूँ। शराब के बीच में फालतू सवाल बिना किए खामोश बैठो यार। ए, तुम चुपचाप बैठो यार। आप बताइए सर, जो लोग आए थे
काले नकाब पहने हुए थे। मैंने हिम्मत से उन पर अटैक किया। उनके हाथों में मशीन गन थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो देश के स्मगलर ही हो सकते हैं। मेरे अंदर देशभक्ति फूट फूट के निकलने लगी। ये सब सच में हुआ था सर? बीच में मत टोका कर चपड़ गंजू इंसान। इतने गुस्से में मत बोलिए सर, सारा नशा उतर जाता है। उतरने दे मुझे, क्या इतनी देर से मेरी शराब पी रहा है? सांप की तरह मुझे डसने चला है। तू मेरा जूनियर है और मैं तुझे शराब क्यों पिला रहा हूँ पता है? पता नहीं। ताकि तुम लोग मेरी बात को सुनते रहो। बताइए मेरे बाप का क्या जाएगा? आने वाले टेररिस्ट थे और मेरे अंदर हमारे सैनिकों की तरह देशभक्ति बह बह के निकल गई और तुरंत मैंने उन पर अटैक किया। सुनिए सर। क्या है बोल? छोटा सा डाउट है। चल पूछना। अगर आप इतने बड़े देशभक्त होते तो जंगल के जानवरों की चमड़ी चोरी करके क्यों बेच रहे होते? अबे तेरी तो। फोन सर, फोन लीजिए सर, फोन उठा के बात कीजिए। हेलो, फॉरेस्ट ऑफिसर रामा मूर्ति स्पीकिंग। मैं एसपी बात कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। जो बच्चे लापता हुए थे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ सर, बहुत जल्दी उनके बारे में पता चल जाएगा सर। डोंट वरी सर। मेरे वरी होने से कुछ नहीं होगा, उनके पेरेंट्स को जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो सारे बच्चे हाई सोसाइटी के बच्चे हैं, समझ गए ना? सर 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 ठीक है सर। देखो जहाँ भी उन हाथियों का इलाका होगा, मुझे शक है वो बच्चे वही होंगे। उस अप्पू को हाथियों से बहुत प्यार है, सर्च करो। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया। बाप रे, मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। ये बच्चे हाथी को देखने के लिए जंगल में क्या आए हैं? मैं ही जानवर बन गया हूँ। मेरा प्रमोशन लिस्ट में नाम है। बच्चों को नहीं ढूंढा तो मेरा बैटरी मार्क हो जाएगा। अरे पहले जीप निकालो। क्या निकालो सर? आप तो हमेशा पीते हैं दारू, लेकिन गाड़ी को पेट्रोल पिलाया? ये डायलॉग तेरा नहीं है, इसका है। अब वो क्या बताएगा, वो तो आपसे ज्यादा दारू पी के सो गया। अबे ये तो मेरा ही पी गया। किस्मत ही खराब है, क्या करूं मैं। हाय किड्स, आप क्यों फॉरेस्ट में आए हो? हम ना, आप क्यों आई हैं आंटी? मैं तो बोटैनिकल प्लांट पे रिसर्च करने आई हूँ डियर। टेल मी व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अप्पू। माय नेम इज रमेश। माय नेम इज लता। माय नेम इज सदम। माय नेम इज मुन्नी। व्हाट इज योर नेम आंटी? आई एम रोजा। Tell me now, why did you come here? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हाथी देखने आया था। Oh, you are a crazy boy. Just wait, let me take one photograph. Okay. Thank you. Bye, aunty. Bye, aunty. ऐसे क्या चल रहा है? हाँ? क्या देख रहा है? ऐसे मारूंगा सीधे लंदन में जाकर गिरेगा। पकड़। सर मेरी पावर खत्म हो गई है, अब चल नहीं पा रहा हूँ। अरे थोड़ी देर पहले कहते पेट्रोल खत्म हो गया, अब तुझमें पावर नहीं है कह रहा है। सर क्या है भाई, भूख लग रही है सर। तो क्या करूँ मैं? कुछ खाते हैं सर। खाना कहाँ मिलेगा? देखो वहाँ दिखाई दे रहा है सर, फ्री का होटल है सर, वहाँ खाते हैं। हाँ सर खाते हैं, चलो चलो खा के मरो। अरे वो भूख खड़ा रहे, सब कुछ छुपा दो। उठो साहब आ गए। चलो बैठो बैठो सर। चलो सर आप भी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ कैसे पधारे? क्या मजाक कर रहा है, होटल में क्यों आते हैं बे? खाने के लिए ना। आप लोग इस मामूली से होटल में खाएंगे सर? हम लोग तो मजबूरी में होटल चला रहे हैं सर। हम भी मजबूरी में आए हैं, खिला दो हमें, खाना दो। क्या है यार ये, खाना खाने आया तो उलझुल बक रहा है, रोने जैसी शक्ल बना रखी। क्या है यार ये सर? हाँ
हम फ्री में आए हैं ना खाने, इसलिए रोने लग गया ये। फिर भी हमें क्या फर्क पड़ता है सर, पहले खाते हैं, भूख लगी है, चलिए सर खाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे दिखाई दिए क्या? कौन से बच्चे? चार लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं, वो घरों से भाग कर आए हैं हमें घर से निकालने के लिए। कहीं दिखाई दिए तो बता देना यार, यहीं कहीं जंगल में घूम रहे होंगे वो। एक्सक्यूज मी। यस। उन बच्चों को मैंने वहाँ जंगल में देखा है। ओह वेरी गुड। फोटो भी निकाला है, चाहिए तो देख सकते हैं। ऐसा क्या? मस्त है खाना। यस यही है, यही बच्चे। अरे बुक्कड़, ए उठो उठो उठो, चलो चलो यहाँ से चलो। ए ए उस साइड में ढूंढो। अरे यार मैं फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट में आया हूँ। ठीक से चेक करो, समझ गया ना? क्या है हा? क्या है, क्या ग्रुप में खड़े हो तुम लोग? बोलो क्या है, जंगल में तस्करी करने आए हो क्या? अरे बाप रे, नहीं नहीं सर, अभी एक घंटे पहले झुंड में से एक हाथी आई थी सर, बहुत बड़ी तगड़ी थी। ए, मुझे बोला या हाथी को बोल रहा है? सच कहता हूँ, आपकी कसम सर। मेरी कसम है सर, इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, चार इतने इतने लड़के हैं, एक छोटी बच्ची है, एक बड़ी बच्ची है, तुमने उन्हें यहाँ देखा है क्या? नहीं देखा सर। हाँ अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है। फॉलो मी। ए हाँ भाई, अगर हम देख भी लेंगे तो इस मोटे गेंडे को क्यों बताएंगे? चलो रे। मुझे लगता है ये हमें ही ढूंढ रहे हैं। हम पकड़े जाएंगे यार। हम रोड पर बिना आए जंगल में घूमते हैं यार। बाप रे, शेर आ गया तो? अप्पू, यहाँ जानवरों से ज्यादा इंसानों को देखकर बहुत डर लग रहा है। हाँ यार सिद्धू, सच में यार। अप्पू जल्दी से हाथी को देखकर चले जाते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। बाप रे। बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मूड भी अच्छा नहीं है, दारू पीना ही होगा। हैं? कौन है दारू पीने के समय दरवाजा खटखटा रहा है? हैं? कौन है रे? हैं? कोई भी नहीं है यहाँ पर। नमस्कार सर। कौन है बे तू? दुर्गेश हूँ सर, वो आपने कहा था ना सर बच्चों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसीलिए आया हूँ सर। दिखाई दिए क्या? हाँ हाँ देखा ना सर। टाइम पर बच्चों के पास भेजने के लिए वो दोनों पागल नहीं है। अरे तो छोड़िए ना सर, आप पकड़ेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। सच में सही सर? है ना, प्रमोशन मुझे मिलेगा ना। चलो 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 चलो। सर 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 सर, खाली हाथ जाएंगे तो काम नहीं होगा ना सर। हाँ तो क्या करूँ? कम से कम एक हाफ तो ले लीजिए सर। किस लिए यार? जब अंदर जाती है तभी दिमाग काम करता है सर। तेरी आदत कम है, क्या करूँ, मेरी जरूरत है तो लाना ही पड़ेगा। चल रुक मैं आता हूँ। ठीक है सर। ये ले, पीकर मार। चल अब। शराब तो मिल गई सर, चखना दे देते तो। बहुत सियाना है तू। ठीक है। ये ले पकड़, अब चल मेरे साथ। हाँ चल ना। चलिए सर। कहाँ है वो? यही सर, यही होना चाहिए, देख लीजिए। कहाँ है? दिखाई तो दे नहीं रहे सर। यही पे है सर। ओ सॉरी सर, उस तरफ है सर। हाँ। आपको दिखाता हूँ। हाँ। चलिए चलो चलो। फॉलो मी सर, फॉलो मी। कहाँ यार? यही पे होंगे सर। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। कोई भी नहीं है सर। हाँ। मेरी आंखों से देखिए सर, वो सभी यहीं पे हैं। मेरी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, पर यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं है क्या सर? होना तो चाहिए। वालों ने वो देखो वहीं पे। पापा, अम्मा, पापा, अम्मा, अम्मा, और कितनी दूर जाना होगा यार? चल चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए मेरे बाप। प्रमोशन चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। अरे बाप रे, फॉलो मी। अरे भाई रे, अब मैं क्या फॉलो करूं, मेरी जान तो अब जाने वाली है। पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर नहीं आया। बाप रे, जल्दी से फिनिश कर देता हूँ।
है। और कितने दूर मिलेंगे यार? यही बगल में सर, वालमी, वालमी सर, वालमी सर। माँ, अम्मा, अरे मेरा हाथ पकड़ ले यार, अम्मा, अरे कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? अरे मैं लगता बचूंगा नहीं। आइए सर, आइए, फॉलो मी सर। क्या क्या फॉलो करूं? अब मुझसे नहीं होगा। अम्मा, 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 पापा, मैं नहीं चल सकता भाई, बिल्कुल मुझसे नहीं होगा। हम नहीं चलेंगे सर, वो खुद हमारे सामने आ रहे हैं। वो देखिए सर, सामने देखिए। ये कहाँ गया? बीच जंगल में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अरे अरे बाप रे, बाप रे, अम्मा, अम्मा, पापा, अम्मा, 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 अम्मा। उस दिन मुझे धमकी दे रहा था ना, आज तुझे जंगल में फंसा दिया, देखा ना? अरे ये मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया ना लाया? उस जापार का ट्रांसफर हो गया है यार, बच्चों को ढूंढने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पता नहीं क्या चले गया सर। हेलो, मैं एसआई राठौर बोल रहा हूँ। सर, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बात कर रहा हूँ। बच्चों के बारे में कुछ पता चला आपको? पता तो नहीं चला है, लेकिन छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। क्या है बताओ, उस हिसाब से पता लगाएंगे। दुर्गेश नाम का आदमी इसी जंगल में घूमता रहता है, बच्चों के बारे में उसे सब कुछ पता है सर। ऐसा क्या? हाँ तो उसे कैसे पहचानेंगे? क्या पहनता है सर? थोड़ा सा बटला सा है, हमेशा पिए हुए रहता है सर। अरे ये वही आदमी लग रहा है, रोको उसे, जाओ। हाँ वो मिल गया है, उसे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ अभी मैं। हाँ हाँ सर, फंस गया मेरे चक्कर में। रुक 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 रुक, सर आ रहे हैं, रुक। ए क्या नाम है तेरा? लोग दुर्गेश कहते हैं सर। कौन कहता है, ये तेरा नाम नहीं है क्या? वही सर। ए, पुलिस से बात करते वक्त सीधा खड़े होकर बात करना चाहिए। ठीक है सर। ए, ज्यादा नाटक मत कर, समझा? अच्छा बता, बच्चे तुम्हारे पास हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, कहाँ छुपाया तूने? मैं नहीं जानता सर, किसने बताया सर आपको? मालूम नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर ने सब बताया हमें, बताओ। फॉरेस्ट ऑफिसर के पास तो शराब की लालच में आके झूठ बोला था सर, बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। ए, झूठ से सख्त नफरत है मुझे, सच बताओ। सच कह रहा हूँ सर, अपनी कसम खाता हूँ। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी खातिरदारी करो। तू मार क्यों खा रहा है बे? सच सच बता, बता सच। ले सुन, मैं तेरे को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कल तक बच्चों को पता नहीं चला तो इसी पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा, समझ गया ना? ए चल। उसने चढ़ाया, इसने उतार दिया। भैया का फोन इस वक्त? कहिए भैया। किरण कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अप्पू घर से भाग गया है अपने दोस्तों के साथ। तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हैं आप? उसे केरला ले जाने वाले थे ना, फिर क्यों नहीं लेके गए? तुम लोगों की वजह से वो बच्चा घर छोड़ के चला गया। वही पास में बच्चों के साथ खेल रहा होगा भैया। उसे घर से गायब हुए कई दिन हो चुके हैं। अरे ये क्या हो गया भैया? मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ हर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। पर तुम और किशोर यहाँ आ जाओ, ताकि हमें अप्पू को ढूंढने में आसानी हो। हम दोनों अभी निकल रहे हैं। रोइए मत मेम साहब, अप्पू बाबा आ जाएंगे, आपका रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है।
अपने आप को संभालिए मिस्टर किशोर। आइए मैडम, देखिए ना अपू बाबा ने ये क्या कर दिया। मैडम आप तो इन्हें हौसला दीजिए। प्लीज कंट्रोल कीजिए, वो जरूर वापस आ जाएगा। पता नहीं मेरे अप्पू को जंगल में जानवरों ने कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाइए। मैडम अब दुखी होने का क्या फायदा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूँ मैडम, अप्पू इज इंटेलिजेंट, समझदार बच्चे अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। अप्पू को हाथी पसंद है, हाथी को दिखाने का वादा आपने पूरा नहीं किया। अप्पू को केरला न ले जाने की वजह से वो नाराज हो गया, ऐसा आपके भाई ने बताया। हाँ किरण, उसकी छोटी सी खुशी को नजरअंदाज करके तुमने बहुत गलत काम किया है। अब देखो ना, अप्पू की वजह से बाकी बच्चे भी मुसीबत में हैं और उनके पेरेंट्स तुम्हें दोष दे रहे हैं। हाँ मैडम, आप अपने कामों में उलझकर अप्पू को भूल गए थे। वो इतनी जल्दबाजी करेगा सोचा नहीं था। जल्दबाजी? उसने हमेशा तुम्हारा वेट किया। बहुत से माँ बाप बच्चों के लिए बुक्स खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लेकिन बच्चों के दिल में क्या है ये नहीं समझते। ठीक है, जो होना था वो हो गया। इंस्पेक्टर साहब से बात करके मैंने इन्हें यहाँ भेजा था। जी हाँ, मैडम ने ही भेजा है। परेशान मत होइए, अप्पू समझदार लड़का है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। सर आप भी जंगल जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है मैडम। अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। वो बच्चे इस फॉरेस्ट में कहाँ घूम रहे, कहाँ सोए हैं, मुझे क्या पता यार। गुरुजी अगर आपको पता नहीं तो दुनिया में किसी को पता नहीं होगा। हाँ सर, सिंधे सर सही कह रहे हैं। तुम लोग तारीफ कर रहे हो, चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आपसे बड़ा ऑफिसर इस जिले में नहीं है सर। हाँ सर। ए, अब इतनी तारीफ कर रहे हो तो उन बच्चों को ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ सर, प्रमोशन लेना चाहते हैं। शाम को पार्टी चाहिए सर। शाम को मिल जाएगा खंबा। ठीक है सर। अरे अपने सर सर की तरह बिहेव नहीं करते, फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। अपने आदमी का फायदा मत उठा। सॉरी सर। अपनी औकात में रह, कम ऑन फॉलो मी। अरे सुनो सुनो, अरे रुको तुम लोग, सुनो तो सही। हमारे लिए आए हो? कौन हो भैया तुम? मैं इस जंगल के पास उस पार रहता हूँ। सच में? हम हाथी देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं। तुम लोगों का जाना ठीक नहीं है, तुम लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। ढूंढ रहे हैं क्या? बच्चों को कहीं देखा ये पूछ रहे थे, दिखाई देने पर बोलने को बोला है। भैया भैया हम हाथी देखने तक पुलिस वालों को मिलना नहीं चाहते, मिलेंगे तो हमें लेकर जाएंगे। ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो चलो, हाथियों को उस तरफ जाकर देखो, दिखाई देंगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। एक और बात सुन लो, इस जंगल में खतरनाक जानवर घूमते हैं। थैंक्स भैया। ठीक है ना, संभल के जाना। बाय भैया। जल्दी जल्दी। अप्पू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके चलें क्या? हाँ यार मैं भी थक गया हूँ। तुम्हारे तो पैरों में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। यहाँ पास में सोने के लिए कोई सेफ्टी प्लेस हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। हाँ अप्पू की बात सही है, फॉरेस्ट में सेफ्टी प्लेस कहाँ होगा? सेफ्टी प्लेस बोले तो कहीं टेबल जैसा है क्या? चलो देखते हैं यार। ठीक है चलो। अरे अप्पू तेरे चढ़ने से पहले ये दोनों गिर जाएंगे यार। वैसे बहुत ठंड है, हम उड़ने के लिए कुछ भी नहीं लाए। हम थोड़ी ना प्लान करके आए हैं, अचानक आ गए हैं। रमेश हमारे बैग में स्वेटर है ना, वो निकाल कर पहनेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। अच्छा याद दिलाया, थैंक्स यार। आओ यार चलते हैं, चलो। अरे वो देखो, वो प्लेस अच्छी है, चलो वहाँ रिलैक्स करते हैं, चलो।
कुछ मत करो, नो नो, उसे कुछ मत करो, नो, मेरे हाथी को मत मारो, नहीं प्लीज, उसे मत मारो, प्लीज मेरे हाथी को मत मारो प्लीज। अरे क्या मेरे हाथी को मार देंगे, वो लोग मेरे हाथी को ले जा रहे हैं। मुझे सपना आया था यार, प्लीज अब्बू क्या हो गया? जंगल जानता है क्या? हाथी कहाँ मिलेगा पता है? पता है। हाँ तो तुम हमें अपने भैया के पास ले चलो ना। ओ जरूर ले जाऊंगी, चलो मेरे साथ। कुछ नहीं संजीव, हम घर में बिना बताए हाथी देखने आए हैं। लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दिया। अच्छा हाथी देखना है, वो यहाँ नहीं आते। आज एक हाथी आया था ना, वो तो बेकाबू होकर चिल्लाते हुए रास्ता भटक कर यहाँ गयी थी। नहीं तो वो उस उत्तर दिशा में एक तालाब के पास मिलते हैं। शेर होते हैं, बब्बर शेर होते हैं। बाप रे, बब्बर शेर होते हैं? लकड़बग्गे भी होते हैं। घर चले जाओ। अरे क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम हाथी देखना चाहते हो? उस उत्तर दिशा में जाओ, बहुत सारी हथनियाँ मिलेंगी। अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे बुला लेना, मैं आकर बचा लूंगा। तुम्हें कैसे बुलाना होगा संजीव भैया? वो समझ गए ना, ऐसे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। हाँ तो एक बार पुकारो। हाँ ठीक है ठीक है, इस छोटी को अपने पास ही रखता हूँ, तुम लोग जाकर देख कर आओ। ठीक है संजीव भैया। मल्ली। हाँ भैया। क्या है भैया? इस लड़की को हमारी कुटिया में लेकर चलो। ठीक है। सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग सुनो। क्या बात है संजीव भैया? कोई परेशानी आई तो ये इस्तेमाल करना। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका ऐसे कंकड़ डाल के इसमें रख कर निशाना लगा के मारना होता है। ठीक है, मुझे एक बार उपयोग करने दो। शाबाश, अब जाकर तुम लोग देख कर आओ। ठीक है भैया।
और कितनी दूर चलना होगा? वो तालाब आना बाकी है। वो कहाँ आएगा? हमें ही जाना होगा। क्या है ये? किसी पेड़ की डाली है? सफेद क्यों है? नहीं यार, ये हाथी के दांत है। यहाँ कैसे आ गए? हमारे दांत जैसे टूट जाते हैं ना, वैसे ही टूटा होगा। मजाक मत कर यार, मतलब यही कहीं हाथियों का इलाका जरूर होगा। जंगल में हाथी को मार कर उनके दांतों को बेचते हैं। तो क्या सच में हाथी की जान खतरे में है? बाप रे, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम ये जंगल देखने आए थे। यहाँ ये दांत पड़ा हुआ था तो उठाकर देख रहा था। अरे अरे, ये हाथी के मुंह से गिरा है। अगर हाथी मिलेगा तो चिपका दूंगा। आप लोग जाइए और दोबारा इस तरफ मत आना तुम लोग। लेकिन हमें हाथी देखना है। हाथी देखना है तुम्हें? हाँ। उसके पैर के नीचे आ गए ना तो चटनी बन जाएगी तुम्हारी। जाके जू में देख लेना हाथी। चलो जाए ऐसे। अरे इसके ऊपर मुझे शक हो रहा है। चलो इसको फॉलो करते हैं। अरे उन बच्चों को आसानी से छोड़ कर आयो? देखो हमारे बेवकूफ लोगों ने क्या किया है। लोडिंग करने के टाइम हाथी का दांत छोड़ दिया कहने के लिए आयो? वो छोटे बच्चे थे इसलिए। छोटे हो या कोई बड़ा हो, हमारा राज जान लेने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दैट्स ऑल। मेरी बात को दिमाग में बैठा लो। खत्म कर दूंगा बॉस। वो बच्चे कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं भाई। तुझे? नहीं भाई। वो जहाँ भी मिले खत्म कर दो। हाँ, ठीक है ना? हाँ, तू okay, वहाँ जा। हाँ, वहाँ जा। वो लोग खतरे में है। चुपचाप चलो यहां से। चलूंगा नहीं। भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। उन बच्चों के लिए एसपी साहब पूरी फोर्स लेकर के आए हैं। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। सरकार से तनख्वाह लेता है और सरकार को ही धोखा देता है। स्मगलर गुंडों से मिलके धंधा करता है।
जी हाँ अंकल, ये लोग स्मगलिंग करते हैं और तो और मासूम जानवरों की जान लेते हैं। Don't worry my boy, I take care of. राठौर। Yes sir. Arrest them. Okay sir. चलो। Come on, come with me. Hey, ले आओ इनको। तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो अप्पू। कम ऑन। हेलो किरण जी, हमारे अप्पू को साहसी बालक की कैटेगरी में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, पता है? जी हाँ टीचर, बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं, टीवी में भी अप्पू के बारे में न्यूज आ रही है। इतनी छोटी उम्र में अप्पू को ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। हाँ टीचर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, इस हैप्पी मोमेंट को मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, पहले एक काम कीजिए, अप्पू को कंग्रेट्स कहने के लिए मैं भी आऊंगी। अप्पू, तुम्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिलने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेचुलेशंस माय स्वीट अप्पू। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है मम्मी। क्यों? क्या हुआ बेटा? मैं जंगल जाके भी हाथी को बिना देखे ही आ गया। अभी तक तुम उस हाथी को नहीं भूल पाए? कैसे भूल सकता हूँ मम्मी, मैं जंगल उसी के लिए गया था ना। अप्पू, सारथ जी आप यहाँ कैसे? अप्पू को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है ना, उसे बधाई देने आया हूँ। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे साथ एक और फ्रेंड को भी लेकर आए हैं। अंदर आने से मना कर रहा है, इसलिए तुम्हें ही बाहर बुला रहा है। मेरा फ्रेंड कौन है? जाकर देखो, पता चल जाएगा। Hey!